गाइस वेलकम बैक, आप लोगों को मेरी तरफ से और मेरी फैमिली की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। ये फर्स्ट डे का ब्लॉग है तो एंजॉय। हाँ तो गाइस उठ गए हैं, नमाज का टाइम होने वाला है, जा नमाज उठा ली, अब जा रहे हैं बस नमाज पढ़ने, तो फिर मिलते हैं नमाज के बाद। हाँ तो भाई बाबा तो निकल गए हैं, मैं नहा रहा था और बाबा को आया गुस्सा, बाबा ने कहा कि मैं तो जा रहा हूँ इसको छोड़ो, तो बस हम भी जल्दी से मस्जिद पहुँचें ताकि हमें नमाज भी मिल जाए और यार पहले गले भी हम बाबा से ही मिलें। तो हाँ तो भाई नमाज हो गई है लेकिन अब्बा नहीं मिले, इतना रश्ता देखें भाई, आवाम आए जा रही है माशाल्लाह से, बहुत रश्ता। तो उस रश में बाबा तो मिले नहीं, अब घर जाते हैं, बाबा का वेट करते हैं, उनसे मिलके फिर कोई सीन मनाएंगे, देखेंगे क्या होता है ईद पर। तो वेट एंड वॉच, बाय बाय। बाहर बैठ के कुछ खा रहे हैं, हमें अपनी पहले दिन की ईदी तो लेनी है, तो देखते हैं और क्या हमें पहले दिन की ईदी तो दे दें। क्या करोगे ईदी लेके? बाहर दे दें, क्या हुआ, अब ईद है तो अब थैंक यू। किसी ईदी के बाद मुझे किसी ईदी की जरूरत नहीं है, किसी भी किसी से ईदी नहीं चाहिए, सिर्फ बाबा से। हाँ तो भाई बाहर निकल के पहला बंदा है, ईद मुबारक। क्या कुछ बता दो, ईद मुबारक बोल दो भाइयों को। ईद मुबारक भाइयों सबको, आप लोग खुशहाल रहे, मंगल बद। आओ तो भाई, ये सारे दोस्त भाई खड़े हुए हैं, भाई आप सबको मेरी तरफ से ईद मुबारक। ये हमारे उसामा मोटे भाई अपनी नई गाड़ी में माशाल्लाह माशाल्लाह आए हैं, ये आज ईद मिलने, ये भी खड़ा हुआ है घर के बाहर, भाई सारे फौजी करके आते जा रहे हैं। हमारी अम्मी भी ईद में घूमने निकली हुई थी, अम्मी कहाँ गई हुई थी? हम मैं अपने खाला के घर गई हुई थी। खाला के घर गई वो नहीं, क्या भाई ईद मेरी नहीं है क्या? हमें छोड़ छोड़ के घूमनी है भाई, फुल अम्मी तुम भी तो हमें छोड़ के घूमते हो, हम मना करते हैं क्या? डायरेक्ट हो रही है अम्मी तो। ये भाई हमारे आशिर के भाई सारे सी पी यू पे आए हुए हैं, बाकायदा नहा रहे हैं, यहाँ से बंदे खड़े हुए दिख रहे हैं, दो डुबकियाँ लग रही हैं, ये क्या इनको समझाते नहीं हो तुम? समझ नहीं आती सर, ये कहाँ घूम रहे हैं भाई? हम वापस आ गए हैं घर, अब थोड़ी देर सो के, क्योंकि रात से सोए नहीं है तो अभी सोना ज़रूरी है, तो अभी सो के शाम में उठते हैं और फिर आपको बाकी का दिन दिखाते हैं कि भाई ईद का दिन कैसा गुजरा। तो जमे रहें, मैं आया। भाई सो के उठ के हम लोग आ गए हैं वापस बाहर, घर पे भी सब सो रहे थे, तो अब क्या करें कि टाइम हो रहा है कोई 4 बज रहे हैं, 4 बजे उठे हैं भाई, मतलब पूरा दिन तो गुजर गया, लेकिन खैर अभी देखते हैं क्या करते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा क्योंकि अब उठ गए बिल्कुल फ्रेश। तो वेट एंड वॉच, बाय बाय। मूवी का टिकट बुक कराने आए हैं, मिल जाना चाहिए, बता रहा हूँ मिलेगा मिलेगा मिलेगा। ये रात में बैठा है ना, ये रात भाई बैठे हैं हमारे अंदर यहाँ पे, अब देखो क्या सीन होते हैं। पैसों का हिसाब कर रहे हैं, 10,000 रुपये का बिल बन गया है, 700 रुपये पर हेड आया, इतने सारे लोग बना रहे हैं 10,700 यहाँ थे। ब्रांचों पे नमाज का टाइम हो गया,
हो सारे अपने लड़के। नमाज पढ़ के कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, सुकून मिल रहा है। अच्छे हम लोग सर नमाज पढ़ के आ रहे हैं, हम जा रहे हैं वापस। क्या कहना चाहेंगे आशर आप? अभी तो हमें भूख लग रही है। भूख लग रही है, जो बात है भाई, भूख लग रही है। क्या खाओगे? क्या खाने का दिल चाह रहा है? कुछ भी खा लेंगे, जो मिल गया वो खाएंगे। तो मिलते हैं। तो भाई हम यहाँ आए हैं तंदूरी हट। क्या खाने आए थे? पनीर रेशमी आंडी खाने विद चीज नान। हमारे साथ हैं बब्बू, उबैदुल्ला शाकिर और मैं, और आशिर बाबा भी है, लेकिन वो अभी पता नहीं क्या कर रहा है, कहाँ है, पता नहीं क्या कर रहा है। खैर, तो अभी हम वेट कर रहे हैं खाने का, तो मिलते हैं। ये भूख लग रही है बहुत ज़्यादा, ऑर्डर का भी इंतज़ार नहीं हो रहा है, पता नहीं क्या होगा। भाई ये है चीज नान, ये है क्या कहते हैं पनीर रेशमी, और ये है हम अब खा के मिलते हैं। बाय बाय। चीज नान का मोर्सल बनाया, इससे पनीर रेशमी लगाई और लगाई फाइनल। 3944 का बिल है और ये सब बोल रहे हैं कि ये पैसे दूंगा मैं। तो भाई खा पी के तो फ्री हो गए हैं, अब चलते हैं घर। आ रही है बहुत ज्यादा नींद। तो भाइयों लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें।